तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में यानी कि 17 फरवरी 2024 को घोषित किया गया है, और यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, जिसे कि प्रसिद्ध उर्दू कवि, लेखक और निर्देशक गुलजार को, और प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और आचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 17 फरवरी 2024 को चुना गया है, और इन्हें यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें गुलजार के बारे में कि गुलजार कौन है, या गुलजार जिनका पूरा नाम या रियल नेम जिनका संपूर्ण सिंह कालरा है, तो इनका जन्म सन 1934 में हुआ था। तो इन्हें जिन्हें कि गुलजार या संपूर्ण गुलजार जिन्हें कि संपूर्ण सिंह कालरा भी कहा जाता है, ये अपनी पीढ़ी के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है, और ये हिंदी सिनेमा के शीर्ष निर्देशक और लेखक हैं। इसके अलावा गुलजार को उनके काम के लिए 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि ये जो गुलजार साहब हैं, इन्हें सन 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा फिल्म जो स्लम डॉग मिलेनियर आई थी, उसका जो गाना है जय हो, उसके लिए सन 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिला। इसके अलावा इन्होंने माचिस, ओमकारा, दिल से, गुरु और आंधी जैसी मूवी में काम के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कोशिश, परिचय, मौसम, इजाजत जैसी क्लासिक फिल्मों के साथ साथ टेलीविज़न धारावाहिक मिर्ज़ा गालिब का भी निर्देशन किया है। यानी कि एक लेखक तो हैं ही, निर्देशक भी हैं। और आचार्य श्री रामभद्राचार्य के बारे में अगर हम बात करें, तो आचार्य श्री रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं। इसके अलावा ये शिक्षक हैं और चार महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं, और ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और उसके प्रमुख भी हैं। इसके अलावा श्री रामभद्राचार्य एक बहुभाषी व्यक्ति हैं, जो कि 22 भाषाएं बोलते हैं। ये रामानंद संप्रदाय के वर्तमान चार जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं, और सन 1982 से वो इस पद पर विराजमान हैं। इसके अलावा श्री राम भद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि और लेखक हैं, और इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब थोड़ी सी हम बात कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो इस बार ऐसा हुआ है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अब तक यानी कि 1965 से 2023 तक, ये दूसरा बार है कि जब संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और उर्दू के संदर्भ में यह 5वीं बार प्रदान किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो यह सन 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां संस्करण है, जो 2023 में गीतकार गुलजार और श्री राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी। इसके अलावा इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, वाग देवी की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि पहले बताया कि यह पुरस्कार संस्कृत के लिए दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार प्रदान किया जा रहा है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ और अगर हम जानें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को, जो कि भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, यह किसी लेखक को उसके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, और यह भारतीय भाषाओं में एवं अंग्रेजी भाषाओं, मतलब भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी भाषा के जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं या उनकी कृति हैं, उसके लिए प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे सन 1961 में स्थापित किया गया था, और सबसे पहले इसे सन 1965 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा यह पुरस्कार अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि इसकी जो अर्हता है, यानी कि यह पुरस्कार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही
प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाता, यानी कि कोई लेखक जो जिनका स्वर्गवास हो चुका हो उन्हें यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। और भारतीय ज्ञानपीठ की अगर हम बात करें तो साहू शांति प्रसाद जैन एवं उनकी पत्नी रमा जैन के द्वारा वर्ष 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ जो है ये एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और अनुसंधान संगठन है, जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। और ये जो भारतीय ज्ञानपीठ है साहित्य एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कई दशकों से पुरस्कार, प्रकाशन, फेलोशिप तथा अनुसंधान जैसी साहित्यिक प्रयासों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का कार्य करता है। जय हिंद।